8 जून वर्ष 1936 में भारत की सरकारी रेडियो सेवा इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो किया गया। वर्ष 1935 को लियोनिन फिल्डेन भारत के पहले कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग बने। उस समय वे बीबीसी से आए थे। तब देश में रेडियो को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1957 को ऑल इंडिया रेडियो का नाम भी बदल दिया गया और इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत मुंबई और कोलकाता में वर्ष 1927 में दो निजी ट्रांसमीटरों से हुई। वर्ष 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, तब इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा रखा गया। 8 जून वर्ष 1948 को एयर इंडिया ने भारत और ब्रिटेन के बीच पहली हवाई सेवा शुरू की। एयर इंडिया भारत की पहली विमान सेवा है जिसे भारत के भीतर और बाहर एक किफायती विमानन सेवा के तौर पर जाना जाता है। इस सेवा ने दोनों देशों के संबंधों की नींव पुख्ता करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। एयर इंडिया ने मुंबई से लंदन के बीच पहली उड़ान भरी जो काहिरा और जिनेवा होते हुए लंदन पहुंची। उस विमान में जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा और जामनगर के नवाब अमीर अली खान जैसे दिग्गज सवार थे। एयर इंडिया का मालाबार प्रिंसेस नाम का यह विमान 40 सीटों वाला लॉकहीड L-749 था, जिसकी कमान KR गुजदार के हाथ में थी। उस दौरान बम्बई यानी आज की मुंबई से लंदन पहुंचने में 24 घंटे लगे थे, जबकि आज यह दूरी महज 10 ही घंटे की है।